संसद सत्र के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान खींचा है। सोनिया गांधी और जया बच्चन के बीच ठाके की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा जैसे गांधी बच्चन फैमिली के दोस्ताने वाला दौर आ चुका है। जानिए दोनों दिग्गजों की मुलाकात में क्या बात हुई। एक दौर था जब गांधी परिवार और बच्चन फैमिली में गजब का दोस्ताना था। बाद में वक्त बदला तो ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, यहाँ तक कि बात बात करना भी बंद हो गया। लेकिन संसद में आज बदला बदला नजारा दिखा। अरसे बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बिग बी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन सांसद परिसर में हंसी टिटोले का माहौल दिखा। दरअसल विपक्षी दल केंद्र के बजट का विरोध करने एकत्र हुए थे। इसी दौरान सोनिया गांधी और जया बच्चन बातचीत करती नजर आई। दोनों दिग्गजों के बीच जब बात हो रही थी तो जया बच्चन कुछ हंसती हुई भी नजर आई। जिस तरह सोनिया गांधी और जया के बीच संसद भवन परिसर में बातचीत होती दिखी, हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब सोनिया और जया के बीच इतने गर्मजोशी वाले माहौल में बातचीत होती दिखी। एक वक्त सोनिया के पति और पूर्व पीएम राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दरअसल संसद की कार्यवाही में भाग लेने जैसे ही सोनिया गांधी परिसर पहुंची, वहां कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका स्वागत किया। उनके ठीक सामने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन दिखे, जिसे सोनिया ने हेलो कहा। उनके बगल में जया बच्चन भी खड़ी थी। उन्हें देखते हुए सोनिया मुस्कुराई और उनसे बातचीत करने लगी। इसके बाद किसी बात पर सोनिया और जया हंसने लगी। फिर सोनिया गांधी जया की तरफ मुखाबित होकर उनसे कुछ कहा। इसके बाद सोनिया और जया में कुछ देर तक बातचीत होती रही। सोनिया ने इस दौरान कुछ ऐसी बात कही जिसे सुन जया ठहाके मारकर हंसने लगी। कुछ देर सोनिया ने जया को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जया ने भी उनका अभिवादन किया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब केंद्रीय बजट पेश होने के अगले ही दिन विपक्ष ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। विपक्ष ने बजट में कुछ राज्यों पर ही फोकस करने के आरोप लगाए। इसी को लेकर संसद परिसर में समूचा विपक्ष एकजुट हुआ था। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नजर आई। गौरतलब है कि बाद में दोनों परिवारों के बीच रिश्ता काफी खराब हो गया था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि रिश्ते चुनने का अधिकार राजा को होता है। ये माना गया था कि उनका इशारा गांधी फैमिली की तरफ था, लेकिन आज की तस्वीर देख ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों के रिश्ते पर जमी बर्फ थोड़ी पिघली है।